दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली इस साल की तीसरी फिल्म यानी कि भैया डूकी को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई दिसंबर के महीने में 21 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है क्रिसमस के शुभ अवसर पर। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए डूकी का एक शानदार ड्रॉप वन यानी कि भाई टीजर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 नवंबर को यानी कि आज से 2 दिन पहले, जिसको भाई अभी तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है मेरे भाई, यानी कि 44 मिलियन लोगों ने इस फिल्म के इस टीजर को देख लिया है 2 दिनों में। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 4,43,54,769 लोगों ने तब तक इस फिल्म के टीजर को देख लिया था जब तक ये आंकड़े मैं आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा था। तो दोस्तों एक तरफ डूकी सिनेमा घरों में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ डूकी का मुकाबला जिस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है उसको लेकर फेक खबरों का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और भाई जब ऐसी खबरें हम लोगों के सामने आती है ना, तो उसको देखने के बाद मैं ये बात समझ नहीं पाता हूँ कि भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ऐसी खबरों को हवा क्यों देते हैं, क्या इसके पीछे भी कुछ गणित है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल बहुत ही ईमानदारी से पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना जवाब अपने कमेंट के माध्यम से बहुत ही ईमानदारी से मुझे दीजिएगा। दोस्तों क्या टैलेंट का मुकाबला छल से किया जा सकता है? क्या टैलेंट को आप छल से हरा सकते हैं? भाई मैंने तो बस एक ही सिद्धांत आज तक सीखा है कि भाई आप टैलेंट को टैलेंट से हरा सकते हैं, भैया छल से आप कुछ वक्त के लिए जीत सकते हैं लेकिन आप किसी टैलेंटेड इंसान का हक नहीं मार सकते हैं। तो भाई प्रशांत नील जो कि भैया सलार के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना टैलेंट तो दिखा दिया मेरे भाई KGF के Chapter 1 और KGF के Chapter 2 से। और भाई उनकी आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया सलार को भी लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है और इस फिल्म को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि भाई जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भैया ये फिल्म बहुत ही कड़ा मुकाबला देगी डूकी को। और भाई क्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब बॉलीवुड के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ऐसी खबरें फैलाना शुरू कर दिए हैं मार्केट में कि भाई देखो डूकी का जैसे ही ड्रॉप वन जनता के सामने आया कि भाई सलार के मेकर जो हैं वो फरार होने लगे, यानी कि भैया उन्होंने अपनी फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। तो भाई जब ऐसी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से ये जानकारी हम लोगों के सामने आएगी, किसी के नाम को मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा कि भैया किस मीडिया हाउस ने ये बात कही है, आप जब गूगल पर जाओगे तो आपको कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा यही खबर सुनने को मिलेगी कि भाई सलार का रिलीज डेट जो है वो बदल रहा है। तो भैया इन लोगों को बताया किसने? हाल फिलहाल में ही भाई सलार के मेकरों के द्वारा इस बात की जानकारी ऑफिशियली दी गई थी आज से कुछ दिन पहले ही मेरे भाई, कि इस फिल्म का रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। और भाई हाल फिलहाल में ही प्रशांत नील ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाई शाहरुख खान की आने वाली फिल्म यानी कि भैया डूकी का पोस्टर भी रिलीज किया था और ये बात उन्होंने बताई थी कि भैया उनको डूकी का ये पोस्टर काफ़ी पसंद आया। यानी कि भाई प्रशांत नील एक तरफ से भैया डूकी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लेकर अच्छी बातें कह रहे हैं और भाई दूसरी तरफ भैया कौन है ये लोग जो कि सलार को लेकर नेगेटिव खबरें फैला रही है, कह रहे हैं कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो आगे बढ़ने वाला है और भाई ये रिलीज डेट इतना आगे बढ़ेगा कि ये फिल्म आप इस साल सिनेमाघरों में नहीं देख पाओगे, यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि भैया ये फिल्म जो है वो अगले साल मार्च के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यानी कि भैया यहाँ तक अगर खबरें हम लोगों के सामने आए तो भाई हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि भैया हो सकता है कि इतने बड़े क्लैश को टालने के लिए सलार के मेकरों ने एक बार फिर से अपना रिलीज डेट आगे बढ़ाने का मन बना लिया होगा। लेकिन भाई अब तो खबर इससे आगे बढ़कर हम लोगों के सामने ये आ रही है कि भाई सलार का जो पार्ट 2 है ना
वो भी बनकर पूरी तरह से तैयार है। और भाई ये फिल्म भी 2024 में ही सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी, अप्रैल के महीने में। यानी कि भैया मार्च में सलार का पार्ट वन और अप्रैल में सलार का पार्ट टू। तो भैया कौन सा ब्रांड का लेकर आप लोग लिखते हो ऐसी खबरें, मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन भाई जब ऐसी खबरें आती है तो भैया मज़ा आता है ऐसी खबरों का थोड़ा सा निचोड़ निकालने में। वैसे भाई आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अभी तक भैया ना तो होमले पिक्चर्स के द्वारा और ना ही भैया प्रशांत नील के द्वारा और ना ही भैया प्रभास के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि भैया उनकी इस फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो कि भाई देसी थर्रा लेकर भैया कुछ भी छाप देते हैं, क्योंकि भैया उनको पीछे से बैकिंग मिलता है कि कुछ ऐसी खबरें फैलाओ इस फिल्म के खिलाफ। यानी कि भैया एक्टिव हो चुकी है टीम सलार को डाउन करने के लिए। और ये टीम कौन सी है ये बात आप अच्छी तरीके से जान सकते हो। भैया मैं तो यहाँ पर यही बात अंत में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई देखो टैलेंट का मुकाबला बॉलीवुड वालों टैलेंट से करो, षड्यंत्र से आप थोड़ी वक्त के लिए रेस में आगे निकल सकते हो, लेकिन जब जनता का इंसाफ होगा ना, अगर जनता ने ये बात देख ली कि भैया आप षड्यंत्र कर रहे हो और आपके षड्यंत्र की वजह से एक अच्छा प्रोडक्ट उनके हाथों से निकलता नजर आ रहा, तो भैया कहीं आपकी चाल जो है वो उल्टी ना पड़ जाए। यानी कि भैया अगर गंगा उल्टी बह गई तो भैया आप ही प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो भाई टैलेंट का मुकाबला टैलेंट से करो, आपकी फिल्म में अगर दम है तो ये फिल्म आराम से सलार का मुकाबला कर सकती है, हैं, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है भाई। जनता जनार्दन है और जनता की अदालत में फैसला हमेशा सही होता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।